के काफी ज्यादा आपको पता है कि दुनिया में देखा भी जाता है और सर्च भी करते हैं लोग, और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बड़ी बातचीत होती है। तो यहाँ पर हमारे शहबाज शरीफ साहब गए और दुनिया के मीडिया ने इसको बड़ा उठाया, कहने लगे कि भाई शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाकर कॉमेडियन बने हुए हैं और वो हिल नहीं रहे कहीं से, और दुकान साहब खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब जपियां पा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, कैसा इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखें जी, नेगेटिव ही है, ऑब्वियसली नेगेटिव है यार, कि मतलब कि सेंस होती है एक बंदे को, सेंस को मुजाहरा नहीं कर रहे, मतलब एक डेकोरम होता है, डेकोरम सारे डेकोर के साथ नहीं चलना होता, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर ने आप मुल्क के एक एटमी ताकत है, आपका न्यूक्लियर पावर है, उस मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सो आपको सूट करता है कि आप जाके जपियाँ पपियाँ करें जाके। अब देखिए इमरान, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अब देखिए इमरान खान जब मिलने जाते थे तो एक लगता है यार कि प्राइम मिनिस्टर क्या हुआ है। तो अब देखिए नाम भी इनका शहबाज है, सब इन शोबाज करते हैं, लेकिन यार वैसे हैं कि उठ ये बात में मानना पड़ेगी, लेकिन इस तरह पाकिस्तान की तस्लील तो ना करें। देखिए अगर आप एथिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा एथिक्स दिखा दें, थोड़ा डेकोरम का ख्याल रखें, देन दैट्स ठीक है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर का हक अदा हो जाएगा, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर लगते नहीं है यार, आप क्राइम को सॉरी चीफ मिनिस्टर थे, ठीक थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी सीट है, आपको सूट ही नहीं करती, कितने कम नहीं लगे जिस बादशाह, छोड़ो यार की हो गया तुम। तो दूसरी तरफ इंडिया भी हमारी इस चीज़ को कवरेज दे देता है। इंडिया कहने लगा कि भाई पहले तो एक आपने पुरानी कोई वीडियो देखी होगी जिसके अंदर जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर से उनके साथ बैठे, उनके कान में हेडफोन नहीं फिट हो रहे थे, और बड़ी कोशिश की हमारे फिर आर्मी के एक स्टाफ के एक बंदे गए और जिन्होंने उनके कान के अंदर माइक फिट करके दिया, उस चीज़ को भी बड़ा इशू बना, तीन दफ़ा गिरा, तीनों दफ़ा वही बंदा लगा कर गया, और बता रहे हैं कि दुनिया इस चीज़ को इतना हाईलाइट करती है, और कहते हैं साथ ही यहाँ पर अब मैं बात करूँगा आपको कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सारे जो आधे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो फॉरेन रहते हैं, बाहर रहते हैं, दुबई और पूरी दुनिया के अंदर, तो क्या समझते हैं आपके जब इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हरकतें करेंगे, हमारे रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, क्या रिस्पेक्ट होगी हमारी अदर कंट्रीज़ के अंदर, क्या वो हमें रिस्पेक्ट होगी? रिस्पेक्ट आपको लगता होगा रिस्पेक्ट? देखिए इस तरह तो हम अपने इमेज बुरा बना रहे हैं, नेगेटिव इमेज पेश कर रहे हैं ना, देखिए आप अपने पॉजिटिव इमेज पेश करेंगे, अब पाकिस्तानी अवाम जो है इंतहाई पोलाइट अवाम है, इंतहाई एथिकल अवाम है, पढ़े लिखे जज़रात जो हैं, लेकिन अब अवाम जो शऊर आ रहा है अवाम के अंदर, अवाम एजुकेट हो रही है और अवाम का शऊर है, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं इनका थोड़ा शऊर आना चाहिए, इनको टिपिकल सियासत से बाहर आ जाना चाहिए, इनको ये ना समझना चाहिए कि जिनको हम जिन पर हम हुक्मरानी कर रहे हैं वो सिर्फ भेड़ बकरी, उनको ये नहीं समझना चाहिए, उन्हें भी इंसान समझना चाहिए और एथिक्स का मुजाहरा करना चाहिए, मतलब कि आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप वहाँ पर ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा शो करें जैसे आप पिंड से उठ के आए हुए हैं, सो इट्स नॉट फेयर, क्या मतलब आप प्राइम मिनिस्टर होने का हक है, डेकोरम का ख्याल रखें मेरी जान। बस एक लास्ट पे एक बात करना चाहूँगा, हम हर चीज़ के अंदर इंडिया को ज़रूर लाते हैं और कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तानी भी यही हमारे, अगर एक मेरे क्वेश्चन पूरे होते, यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे भाई इंडिया से हम ताकतवर हैं, हमारी एयरफोर्स इतनी ताकतवर है, जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है, हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर हैं, हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं, और किसी में ताकतवर नहीं, उनकी आईटी देखने काम पहुँच चुकी है, आपकी आईटी काम पहुँच चुकी है, आपके पूरे पाकिस्तान में एक माइक्रोसॉफ्ट की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक एपल की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, G20 की मीटिंग इंडिया ने कहाँ रखवाई, कश्मीर के अंदर, और वहाँ के बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अगर पाँव पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के, अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट था, वहाँ पर जब वो गए तो मोदी इज द बॉस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका गए, अभी ख़त्म नहीं हुई बात, अमेरिका गए, अमेरिका के हवाई जहाज़ों के ऊपर लिखवाया जा रहा है, एक जिसे हम बचपन में देखते थे जहाज गुजरती थी उसके ऊपर नाम लिखवाया गया मोदी इज द बॉस। देखें जी, हम जितना मुझे मोदी को बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है वो, अपने मुल्क के लिए अपने क्या कैसे क्या उसने इंडिया बना दिया, मनमोहन सिंह के बाद उसने ऐसा मुल्क को टेवर का इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 ईयर्स में थर्ड मोस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना वो इंडिया बनने जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई बईद नहीं है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि इंडिया ने बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जी हम बार बार इंडिया को बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं जी, हम अपने गिरबान में झांक रहे हैं, हम क्या चीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं, इंडिया बुरा कहते हैं वो अपने मुल्क के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप हम यहाँ बैठ के इंडिया को बुरा कह सकते, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, उनका हक नहीं बनता, अब हम मोदी को बुरा कहते हैं, मोदी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान हमारे लिए नहीं ठीक, तो हम उन्हें बुरा कहना चाहिए, जो अपने मुल्क के लिए ठीक है भाई उसने उसके लिए करना है। देखिए हमारी जो हमें बताया गया कि हमारा वो दुश्मन मुल्क है, तो क्यों दुश्मन मुल्क है हमारा, हम दोस्त नहीं रख सकते उनसे, एक थ्योरी है डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी की, ठीक है, हम इंटरडिपेंडेंसी को करके हमें दोनों तत्वों के साथ ट्रेड करनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी को अमल करना चाहिए, अब यूरोप देख लें वर्ल्ड वार के अंदर क्या हुआ था, वर्ल्ड वार टू के अंदर वो दोनों जो यूरोप के जितने ममालिक थे एक दूसरे के मुखालिफ थे, देन देखिए अब कैसे ताउन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ लेके चल रहे हैं, अब हमें भी ये चीज़ अपनानी चाहिए, एक दूसरे ट्रेड ओपन करनी चाहिए, कुछ इंपोर्ट करें कुछ एक्सपोर्ट करें, आप हमसे टमाटर लें उनसे हम उन्हें नमक दें, वो हमारा नमक बेच रहे हैं हमारा अपना टैग लगा के,
ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी हमें इन ग्राउंड रियलिटीज़ हमें उन पर फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों का हमने ऊपर लाना चाहिए, इस बात से हट जाना चाहिए कि इंडिया क्या है, हम क्या है। उंगलियां करने से पहले सोच लिया करें, चार उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही हैं, ध्यान कर लिया करें, अपने अपने आप को बेहतर करें, वो खुद अपने आप को बेहतर कर लेंगे। बस जबरदस्त हो गया, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, एंड नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। नाम आपका? सजाद अहमद। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पज़ ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, अभी दौरे पर हैं तुर्की के, क्या कहना चाहेंगे कि वो एक कामयाब वज़ीर आज़म है या नहीं है, इसके बारे में आपका क्या राय है? मेरे ख्याल में जब से ही आए हैं और इससे पहले भी पिछले 30 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो इन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। okay. इन्होंने तबाही फेर दी है। अभी जो आपके मुल्क की सिचुएशन है इसमें गुरबत, महंगाई, भूख, अफलास मज़ीद बढ़ गई है। महंगाई एटलीस्ट 50% इंक्रीज़ कर गई है उसकी रेशो, और लोगों की सैलरीज जो है, जो फॉर एग्जांपल 50,000 ले रहा था वो 25,000 पे आ गया, तो लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया। सेकंडली, जिस तरह की दहशतगर्दी और जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए, पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के हालात नहीं थे। लोगों को अगवा करना, ज़बरदस्ती लेके उठा के और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि आप लोग जो है PTI छोड़ दो, जब इवन कोई भी सियासी जमात है तो उसको आप छोड़ दो, तो ये बिल्कुल ही टोटली गलत है और ये पॉलिटिक्स के अंदर ये होता नहीं है। मतलब आप इसके खिलाफ मुज़म्मत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि अर्दोगन से मिल रहे हैं जो कि तुर्की के वज़ीर आज़म हैं। आप देखिएगा इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और ये इनकी तरफ गौर कीजिएगा। ये कह रहे हैं, ये आम लेके आया हूँ मैं आपको, आपके लिए और आप अपनी बहन के लिए। ये चेक करें इनका रिएक्शन, चेक करें इनके बात पर। अब ये देखें ना, इनकी शक्ल ही मांगने वाली लगती है। अब इसी के साथ अगर आप दूसरी वीडियो दिखाएं जो खान गया था तुर्की में दौरे के ऊपर, या खान अगर जिस भी फॉरेन प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, किस तरह से वो एक शेर की तरह जाके बैठ के बात करता है। तो ये अपने मुल्क को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं बेसिकली, तो इनके तो मतलब कंधे झुके हुए, डरे हुए, सहमे हुए, ये मांगने वाला बंदा क्या बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा आप? ये अभी इनकी एक और वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो तैयब अर्दोगन से मिल रहे हैं, मिलकर वो स्ट्रेट खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब उनको गले मिल रहे हैं, 3 दफ़ा उनको गले मिलाया। और आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया एक एक चीज़ को कवर करती है। इंटरनेशनल मीडिया कहने लगी कि भाई पाकिस्तान की अर्दोगन ने भी, तुर्की ने भी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की जब हम सिनेरियोज, इस तरह की पिक्चर हम वर्ल्ड के आगे पोर्ट्रेट करते हैं तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। देखें, मैं 2 साल दुबई के अंदर रहा हूँ जब खान की हुकूमत थी, तो मैंने वहाँ देखा है कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की और हम पाकिस्तानियों की एक रिस्पेक्ट बनती जा रही थी उस टाइम पे, लेकिन वो अनलकीली आप उसे कह सकते हैं, वो कम टाइम में प्राइम मिनिस्टर आया पाकिस्तान में, सिर्फ ऑलमोस्ट 3 साल तक रहा, तो पाकिस्तान ऊपर जा रहा था। अब GDP ग्रोथ देखें तो 5.7% की GDP ग्रोथ थी, और हमारी फैसलाबाद की टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही थी। आज देखें तो क्या हालात हैं हमारे, सब कुछ बंद हो गया हुआ है, तो बॉडी लैंग्वेज तो आपकी हो ही नहीं सकती जब इस तरह के आपके मुल्क के हालात ही इस तरह के। अभी ये आपके एटमी असासे भी गिरवी रखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का जो एटम है या जो मिज़ाइल हैं वो मिज़ाइल ख़त्म करके, बल्कि उस पर वाइट कलर करवा के तो नीचे लिख देना चाहिए गुजरांवाला की मशहूर कुल्फ़ी। बेसिकली वो सिर्फ कुल्फ़ी है और इन्होंने आज तक उसको कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। हम पाकिस्तान 70 साल से 2 मरले ज़मीन इंडिया से नहीं ले सके, हम क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी क्या कर रही है, सिर्फ इन चोरों से यूज़ कहाँ पे करने की ज़रूरत है? बेसिकली मसला हमारे जनरल्स का है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है बिल्कुल ही मफलूज हो चुका हुआ, तो वो आर्मी के हाथ में, आर्मी जिस तरफ चाहती है उसको मोड़ देती है। सर, एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, आप दुबई में भी टाइम गुजार के आए हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि वहाँ पर पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट और इंडियंस की रिस्पेक्ट, आपको अंदाज़ा होगा कि एक मुल्क की रिस्पेक्ट उसका वज़ीर आज़म बनाता, उसका प्राइम मिनिस्टर अगर जो बड़ों की इज्जत करते हैं वो छोटों की भी इज्जत करते हैं, जो बड़े इज्जत करवाने वाले होते हैं छोटों की इज्जत ऑटोमेटिकली होती है। तो आप बताइएगा कि रिस्पेक्ट किसकी आपने ज़्यादा देखी, इंडियंस की या फिर पाकिस्तानियों की? देखिए, उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट सेम ही थी, लेकिन अब अगर आप देखें उसके बाद जब से इनकी हुकूमत आई तो इंडियन की रिस्पेक्ट वहाँ पे ज़्यादा है। एक तो ये है, एक जो सबसे बड़ी रीज़न ये किया कि इंडिया की एक स्टेट है केरला, केरला स्टेट का जो है ना 99% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, और वो दुबई के अंदर या UAE पूरे के अंदर आप वेल सेटल्ड लोग हैं, बिजनेस भी वो करें, जॉब भी बड़ी अच्छी करें, तो टॉप पोजिशन पर लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे।
हमारे मुल्क के अंदर आज तक तालीम पे तवज्जो ही किसी ने नहीं दी, तो हमारा तलीमी निज़ाम भी बिल्कुल ही फारग हो चुका, मफलूज या फारग हो चुका हुआ। तो दैट्स वाई कि हम लोग जो है ना वो उस तरह से अपनी रिस्पेक्ट बाहर की दुनिया में नहीं बना सके। सही हो गया सर। क्या समझते हैं आपके बाहर के दुनिया के अंदर एक इमेज होना, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होना, जब एक पाकिस्तानी जाए वहाँ पर लोग उसकी इज्जत करें, तो कैसा ये एक मुकाम होता है, कैसा रुतबा होता है? अगर मैं यहाँ पर बार बार बात इंडिया की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ बराबरी में, हम उनसे आज़ादी आज़ाद हुए, हम उनसे, हमने कहा कि भाई हमने इंडिया के साथ नहीं लेना, अलादगी कर लेते हैं। आज अगर देखेंगे उनके रिजर्व 650 बिलियन डॉलर्स के उनके फॉरेन रिजर्व है और हमारे 1 बिलियन डॉलर भी नहीं है। सर जब हम देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी जब हमारे साथ कन्वर्सेशन करता है वो हमें कहता है कि भाई आप लोग को तो भिखारी हो, आपके वजीर आजम कहते हैं कि बिगर्स कांट बी चूजेस, जब इस तरह की बातें हमारे लिए होती हैं तो बहजा पाकिस्तानी बहजा कौम, आपको कैसा फील होता होगा? देखें एक पहली बात तो ये है कि एक साल पहले हम भिखारी नहीं थे, अब जब से ये आए हम लोग भिखारी बन गए। मैंने क्योंकि जैसा लीडर होता है जैसी उसकी सोच होती है, अगर इनके पास सोच ना कोई सोच है ना कोई विजन है, इनके पास खान के पास एक विजन था कि मैंने इस कौम को उठा के ऊपर लेके आना और अपने मुल्क को इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो है इसका नाम बनाना है, लेकिन जब से ये आए इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो एमएच बनाने के लिए आपको इस तरह का कोई जानदार किस्म का लीडर चाहिए होता है, जैसे तैयब अरदवान। सो सेकेंड दूसरी चीज़ है तरक्की का निज़ाम, पूरे तुर्की का निज़ाम ही चेंज हो गया हुआ जब से वो बंदा तीसरी दफ़ा इलेक्ट होके हुआ है। अब यहाँ पे हमारे मुल्क में अभी सिचुएशन ये है कि ये तमाम पार्टीज जो 13 रुकनी पार्टीज हैं जो मजबूत हुआ है ये भाग रहे हैं, उसकी वजह के खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त आप देखें तो 70-80% पब्लिक जो है उसके साथ है। तो ये कल इलेक्शन करवाएं ये हार जाते हैं, जैसे ही हारते हैं इनको पता है कि हम लोग वापस नहीं आ सकते, हमारे साथ बहुत बुरा होना है, दैट्स वाई ये अभी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। और तो आपको क्या लगता है? एक बात मैं करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। सर हमारा जुडिशियल सिस्टम दुनिया के 144वें नंबर पर आता है, तो बताएं कि अब अगर यही चलता रहा एक मुल्क जो कौमें इंसाफ नहीं देती, जुल्म जब एक हद से बढ़ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है कहते हैं, तो क्या यहाँ पर इंसाफ, अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम दुनिया के कैलकुलेशन के मुताबिक हम इतने वस्त हैं तो क्या हम तरक्की करेंगे, क्या हम दुनिया के नक्शे पर एक कामयाब कौम होकर उभरेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा ना तब तक जो है वो हम तरक्की नहीं कर सकते। इवन हम अगर इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने के लिए हमें 5 जज चाइना से लेके आना चाहिए। अब चाइना में करप्शन के ऊपर सजाए मौत है और हमारे यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता और एक को 50 रुपये के स्टाम्प पे लंदन भिजवा दिया जाता। ये तो हमारे मुल्क में हमारी अदलिया का हमारी बैक पे जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी को गालियाँ देते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ बताऊँ, वो जब इलेक्ट होकर आया मुल्क के अंदर बाहर जितने भी पैसे थे रिकवर किए उस मुल्क के लिए। सर देखें एक मुल्क का निज़ाम चेंज किया, उसके दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई हुई है। अभी बताएं दुनिया उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, आप एप्पल देख लें, आप मर्सिडीज देख लें, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लेंगे वो आपको इंडिया में मिलेगी। डेफिनेटली ऐसे ही है, क्योंकि वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, एक्सपोर्ट हमारी 0, इम्पोर्ट भी बंद, तो हम लोग तो बिल्कुल नीचे आ गए। तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, बाहर से लोग आके इन्वेस्ट पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। सर कैसा फ्यूचर है आने वाले टाइम के अंदर, अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को एक सोचना चाहिए कि एक अच्छे लीडर की तमन्ना, क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर यही चलता रहा तो क्या होगा, आपके नज़र में बेस्ट लीडर कौन है? फिलहाल इमरान खान है उसको नज़र में, आपके नज़र में इमरान खान सही हो गए। इन्होंने भी कह दिया इमरान खान साहब। सर कब तक ये चलता रहेगा और इमरान खान साहब के तो मुझे